एकदम ठीक है। अब एकदम ठीक क्या ठीक है? एकदम ठीक ये है, दूसरा व्यक्ति आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्यों तय करेगा? नहीं तय करना है। अगर आप किसी के खिलाफ भी हैं तो आप उसके बंधन में हैं। अगर आप अपनी सारी योजनाएं किसी के खिलाफ बनाते हैं, इसका मतलब है कि आप 24 घंटे उसके बारे में सोचते हैं। और स्वतंत्र होने का सही मतलब है दूसरों को भावी ना देना। सबसे निरपेक्ष जो होता है, धर्म निरपेक्ष जैसे बोलते हैं, निरपेक्ष का असली मतलब ये होता है। तीन तरह के लोग होते हैं देखो इस मामले में। जैसे आप इसको यूं एग्जांपल समझे कि क नाम का एक व्यक्ति है और ख नाम का दूसरा व्यक्ति, दोनों के बीच में मान लीजिए पहले प्रेम का संबंध रहा किसी जमाने में, फिर ब्रेकअप हो गया, किसी वजह से ब्रेकअप हो गया, झगड़े के साथ ब्रेकअप हुआ, आज के बाद बात नहीं करेंगे, बस आज के बाद तेरा मुंह देखूंगी, आज के बाद ये हो, ऐसे करके ब्रेकअप हो गया, ठीक है, मान लीजिए हो गया। अब ख के पास क के प्रति कितने ऑप्शंस हैं? तीन ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि ख उसकी सड़क पे जाके लेट के बिछ जाए, माफ कर दो माफ कर दो माफ कर दो, हे मेरी प्रेमिका, हे मेरे प्रेमी, हे मेरे होते होते रह जाने वाले पति, हे मेरी होती होती रह जाने वाली पत्नी, ऐसा कुछ करके एकदम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते करते बस किसी तरह से ये साबित कर देना कि मैं रेप्टाइल हूँ, रीढ़ की हड्डी मेरे पास नहीं है, मैं बोनलेस प्राणी हूँ, और बस किसी तरह मुझे प्यार की भीख दे दो, मैं तुम्हारे प्यार की भीख के लिए भिखारी बन के आया हूँ। एक तो ये होता है, मतलब मैंने देखा कई लोग प्रेम के रास्ते पर भिखारी हो जाते हैं बेसिकली वो, इसलिए प्रेमी और भिखारी में बहुत कम अंतर रहता है कई लोगों के मामले में। एकदम लगता है कि प्रेम भी ऐसे ऐसे करके, आप सोचिए कैसे कितना आदमी हड्डी विहीन हो सकता है, रीढ़ की हड्डी विहीन हो सकता है, ऐसे कई प्रेमी नजर आते हैं एकदम खत्म हो जाते हैं इस चक्कर में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कभी, बहुत बुरी स्थिति है। कुछ दूसरे मूड में आ जाते हैं, डर फिल्म के नायक की तरह बन जाते हैं, अच्छा तू मेरी नहीं तो तू किसी की भी नहीं, अब देखता हूं मैं तुझे, और जेब के अंदर तेजाब की बोतल लेके घूम रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है, जेब के अंदर बोतल टूट गई। मूल विचार ये है कि भाई किसी से अगर आपका ब्रेकअप हो गया, रात दिन उसके खिलाफ सोचना, नफरत करना, बर्बाद कर दूंगा तुझे ही नहीं, जो तुझे चाहेगा उसको ही बर्बाद कर दूंगा, यानी मेरा पूर्णकालिक रोजगार अब यही है कि तुझे कैसे बर्बाद करूं और तेरे जीवन में जो जो है उन्हें कैसे बर्बाद करूं। अब मैं बर्बाद करने का कारखाना बन गया हूं, मैं इसे बर्बाद, मैं खुद को आबाद नहीं करूंगा, मैं इसे बर्बाद करूंगा, फिर उसे बर्बाद करूंगा, उसे बर्बाद करूंगा। इसका मतलब ये व्यक्ति 24 घंटे किसी के बारे में ही सोचने को बाध्य है। कभी ऐसी स्थिति जीवन में है ना, सबसे अच्छा स्टेप तीसरे व्यक्ति का है, ये तीसरा व्यक्ति है। इससे किसी ने कहा, और भाई कर का क्या हालचाल है? कौन कर कौन कर? अरे जैसे तुम्हारा बहुत लंबे समय प्रेम संबंध चला, अच्छा हाँ ठीक होगी या ठीक होगा, क्या उससे नफरत होती है? नफरत क्यों करेंगे, फुर्सत क्या है? क्या उसकी याद आती है? ना बिल्कुल याद क्यों आएगी, टाइम कहाँ है, याद बिल्कुल नहीं आती, मैं उसको याद करूंगा, मैंने नया रोजगार बसा लिया अपना क्यों उसको याद करूंगा, क्या याद करेंगे। और एक दिन कहीं सामने आ गया याद, उसने कहा मुझे याद करते हो? नहीं एकदम नहीं। ये व्यक्ति सबसे मुक्त है, न नफरत न मोहब्बत, तटस्थ।